नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल के अंदर। मैं आपका दोस्त प्रोफेसर, आज बात करेंगे मार्केट के अंदर क्यों इतना बड़ा फॉल आया, आज की स्पेसिफिक गिरावट क्यों आई। तो आप देखिए, मार्केट के अंदर अगर देखेंगे तो निफ्टी 50 के अंदर लगभग 250 पॉइंट और सेंसेक्स के अंदर जो है लगभग 800 पॉइंट का जो है गिरावट आज देखने को मिला है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे स्मॉल कैप, मिड कैप और बैंक निफ्टी के अंदर भी अच्छा खासा गिरावट आता हुआ आज नजर आया है। तो अब आगे क्या करें और ये स्पेसिफिक गिरावट क्यों आई। तो देखिए दोस्तों, इजराइल का वॉर जो है वो लगभग पिछले 10 दिन से चल रहा है, तो उसका इफेक्ट आज नहीं आया है। ठीक है, उसके अलावा क्रूड का जो है हाइक है उसका भी इफेक्ट इतना नहीं है। पर अगर आज देखेंगे आप तो यूएस का जो है 10 ईयर बॉन्ड जो है जेसेट बॉन्ड, वो बॉन्ड के अंदर आज जो है 5%, वो 5% से ज्यादा बॉन्ड आज चला गया है। तो उसकी वजह से जो है यूएस मार्केट के अंदर भी एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है। इंटरनेशनली और भी मार्केट के अंदर अच्छा गिरावट देखने को मिला है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे इक्विटी पर देखने को मिला है, हमारे मार्केट के ऊपर देखने को मिला है। तो चार्ट के अंदर जाते हैं, उसका रिलेशन समझते हैं और आज मार्केट के अंदर क्यों गिरावट आई और आगे क्या करना चाहिए वो भी आज हम समझने का कोशिश करते हैं। तो वन बाय वन हम निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, उसके साथ साथ जो है 10 ईयर बॉन्ड जो है यूएस का, उसका भी चार्ट देखेंगे और आगे क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए, क्या हमें स्टेप लेने चाहिए, वो सारा डिस्कशन आज करेंगे। तो आइए चलते हैं डायरेक्टली चार्ट के। दोस्तों देखिए, ये जो चार्ट है वो है यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड का 10 ईयर का, 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड जो है उसका चार्ट है। सबसे सेफेस्ट वैल्यू जो है, सबसे सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट जो है ये 10 ईयर बॉन्ड जो है वो माने जाते हैं। अभी देखिए ये बॉन्ड जो है, आप देखिए यहाँ पे 5% के ऊपर जो है आज वो चला गया था, उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक गिरावट देखने को मिली। ये बॉन्ड जो है उसका कोरिलेशन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कि जैसे ये बॉन्ड का अगर आप देखोगे तो ये बॉन्ड जो है 1% पे भी हमें देखने को मिला है, क्योंकि 1% के आसपास भी ये बॉन्ड था, वहां से लेके 5% के तक गया है। तो अगर देखिए बॉन्ड जो है वो 1% पे होता है तो उसका मतलब क्या है कि उसको आप देखोगे भी 100 डिवाइडेड बाय 1% करेंगे तो उसका जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो 100 के आसपास आता है। अभी जो है वो 5% है, उसका मतलब क्या है कि अगर 100 डिवाइडेड बाय 5% हम करेंगे तो जो है 20 के आसपास प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ रहा है। उसका मतलब कि भी इक्विटी के अंदर भी जो है आप 20-25% जो है वो आप वो पी रेशियो होता है, राइट। उसके साथ अगर बॉन्ड भी आपको इतना कमा के दे रहा है तो फिर इक्विटी और बॉन्ड के अंदर क्या फर्क रहेगा, तो फिर जो है बड़े फंड जो है वो बॉन्ड की और अट्रैक्टिव होंगे। तो अभी क्या है कि भाई इक्विटी को भी अट्रैक्टिव होने के लिए थोड़ा करेक्शन जरूरी, उसी के लिए जो है मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है। तो अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि भी बॉन्ड जो है 5% से ऊपर रहने वाला है आने वाले टाइम के अंदर, तो फिर जो है मार्केट के अंदर एक गिरावट आना चाहिए। अगर बॉन्ड जो है थोड़े नीचे आते हैं तो फिर जो है शॉर्ट टर्म के बाद एक बॉटम बन के फिर से मार्केट के अंदर एक रैली देखने को मिल सकता है। अभी देखते हैं कि भाई निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप के अंदर क्या सिनारियो बना हुआ है और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने का ट्राई करते हैं, सबसे पहले मार्केट का बात करते हैं, निफ्टी का बात करते हैं, निफ्टी के अंदर क्या सिनारियो बना हुआ है, उसके बाद जो है और भी इंस्ट्रूमेंट हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है निफ्टी का आप डेली चार्ट देखिए, निफ्टी का डेली चार्ट अगर देखेंगे तो डेली के अंदर एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो है हमें यहाँ पे लगभग 19,200 के आसपास देखने को मिल रहा है। उसका आप देखिए यहाँ पे स्टॉक जो है निफ्टी 19,230 के आसपास आके रिवर्स हुआ था, उसके बाद फिर से उसी एरिया के आसपास फिर से अभी 19,200 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है 19,200 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है, अगर उसको निफ्टी ब्रेक करता है तो वहां से एक और भी पैनिक मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर इसको रिस्पेक्ट करता है और इस लेवल से रिवर्सल होता है तो फिर मार्केट के अंदर एक फिर से बॉटम बन के एक रैली देखने को मिल सकता है। अभी देखिए अगर इन केस जो है मार्केट इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट के अंदर आपको यहाँ से लेके इसका जो आप देखिए ये वाला जो एक रेंज है
उस रेंज के आसपास आपको 700 600 700 पॉइंट का एक गिरावट जो है वो फिर से मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर अगर आता है तो नीचे की ओर यहाँ पे जो है सपोर्ट लेवल जो है लगभग 18,800 के आसपास एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से जो है लगभग 500 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल सकता है अगर इन केस इसको ब्रेक करता है तो, अदरवाइज होल्ड करता है वहां से रिवर्सल होता है और बॉन्ड के अंदर थोड़ा गिरावट देखने को मिलता है, इंटरनेशनल मार्केट थोड़े संभलते हैं तो रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अदरवाइज थोड़ा कॉशन रखने का जरूरत है, आने वाले वीक के अंदर थोड़ा लाइट पोजीशन हमें रखने का। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी के अंदर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल जो था वो लेवल को आज बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया है। 43,400 के आसपास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, उसको ब्रेक करके बैंक निफ्टी नीचे आया है। तो बैंक निफ्टी के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसके अंदर भी फर्दर अगर ये जो लेवल है अभी यहाँ से मार्केट रिवर्सल करना स्टार्ट कर देता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर इस लेवल को वो सस्टेन करता है, उसके नीचे कल भी वो सस्टेन कर जाता है तो वहां से एक रिवर्सल मार्केट के अंदर नीचे की ओर देखने को मिल सकता है। तो उसके अंदर आप लगभग पकड़ के चलिए 2,000 पॉइंट का जो है बैंक निफ्टी के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से जो है 2,000 पॉइंट के आसपास अगर गिरावट आ सकती है, राइट, तो आप देखिए लगभग जो है इसके अंदर 41,400 के आसपास एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे आता है तो ये वाला जो लेवल है वहाँ पे जो है एक सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज बैंक निफ्टी के अंदर क्वेश्चन रखिए। इसके बाद बात करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप। तो मिड कैप के अंदर जो है और स्मॉल कैप के अंदर आज भारी गिरावट देखने को मिली है। आप देखिए इसके अंदर मिड कैप का अगर आप चार्ट देखो तो कंटिन्यूअसली जो है वो एक लगातार एक अप रैली देखने को मिल रहा था। उसके बाद जो है यहाँ पे एक बड़ा बार के साथ सेलिंग आया था और उसके बाद जो है मिड कैप ने ये वाला जो है सेलिंग प्रेशर कभी भी इसको एग्जॉस्ट नहीं किया है, उसके ऊपर नहीं गया है और आज जो है उसने एक रेंज जो बनाया था उस रेंज को ब्रेक कर दिया है। 39,500 का एक अच्छा सपोर्ट था, उसको ब्रेक करके मिड कैप पूरा नीचे आया है। तो मिड कैप के अंदर आने वाले दिनों के अंदर और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो क्वेश्चन रखिए जहाँ पे भी स्टॉप लॉस आपने डिसाइड किए हैं तो वो स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। स्टॉप लॉस अगर आता है तो वहां पे आपको स्टॉप लॉस लेने हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में जो है अच्छे स्टॉक है तो उसको आप रख सकते हो। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है और प्रॉफिट हो रहा है तो उसके अंदर प्रॉफिट भी आप बुक कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप के अंदर अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप के अंदर भी एक अच्छा खासा जो है गिरावट आज देखने को मिल रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप का अगर बात करते हैं तो आप देखिए वो भी एक लगातार कंटिन्यूअसली अच्छा रैली दिखाया है। रैली दिखाने के बाद अभी जो है आप देखिए यहाँ पे उसका एक ये वाला एरिया जो है सपोर्ट लेवल का एरिया है। स्मॉल कैप दो बार जो है वहां से रिवर्सल हुआ है, लगभग 12,300 का लेवल जो है वहां से जो है स्मॉल कैप ने दो बार रिवर्सल दिखाया है। अगर उसको ब्रेक करता है तो स्मॉल कैप के अंदर और भी गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट के अंदर तेजी नहीं आ रही है तो स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर और भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो आने वाले कुछ एक आध वीक 10 दिन के लिए आप क्वेश्चन रखिए, जब तक मार्केट का कंडीशन स्टेबल नहीं हो जाता है तब तक एग्रेसिवली बाइंग नहीं करना है। अगर आपने कोई भी स्टॉक लिए हुए हैं तो उस स्टॉक के अंदर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। अगर कोई भी स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है और उसके अंदर आपको प्रॉफिट बन रहा है तो उसके अंदर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर आपने हमारे जो प्रीवियस सीरीज के अंदर हमने चार्ट ऑफ द वीक है, इंट्रा वीक है, उसके अलावा जो है स्विंग मास्टर सीरीज है, वो सारे के अंदर जो भी स्टॉक हमने रिकमेंडेशन किए हैं तो उसके अंदर आप अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस बना के चलिए। वहां पे स्टॉप लॉस भी मेंटेन करने के लिए बताया है तो वो स्टॉप लॉस भी हमें मेंटेन करने हैं। और मेन इंपॉर्टेंट बात जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलिए। तो ये जो है मेन गिरावट आने का रीजन यही था। तो आने वाले दिनों के लिए कुछ क्वेश्चन रख के आपको चलना है। धन्यवाद।